नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। बिहार में जातिगत सर्वे और आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के बाद कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार पर दबाव बढ़ गया है। कर्नाटक में काफी समय से लंबित जातिगत सर्वे को सार्वजनिक करने और उसे लागू करने की दिशा में सिद्धारमैया सरकार बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही है। वोकलिग्गा और लिंगायत समुदाय जिस तरह से सर्वे की रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस का सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है। ऐसे में कांग्रेस का जातिगत जनगणना का दांव बीजेपी के लिए सियासी संजीवनी न बन जाए। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव जीतकर मिशन 2024 में कर्नाटक के 20 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा है। इसी को मद्देनजर कांग्रेस ने भले ही सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी सौंपी हो, लेकिन डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनाए रखा। कर्नाटक में 6 साल पहले ही जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है, मगर ये रिपोर्ट आज भी ठंडे बस्ती में पड़ी है। कांग्रेस पूरे देश में जातीय जनगणना की डिमांड कर रही है, मगर खुद कर्नाटक में इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक पर उलझ गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जातिगत सर्वेक्षण को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो डीके शिवकुमार ने कहा है कि कांग्रेस अपनी लाइन पर कायम है, लेकिन अलग अलग समाज के साइंटिफिक दृष्टिकोण की मांग पर विचार किया जाना चाहिए। इस तरह से कांग्रेस के अंदर भी जातिगत सर्वे को लेकर मतभेद है और उसके चलते ही लंबे समय से उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही लिंगायत और वो कलिग्गा समुदाय के लोग सिद्धारमैया सरकार पर जाति जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने का दबाव डाल रहे हैं। सिद्धारमैया की पिछले कार्यकाल में हुई जातिगत सर्वे की रिपोर्ट लीक हो गई थी। रिपोर्ट में ओबीसी की संख्या में काफी बढ़ाकर बताया गया था, जबकि लिंगायत और वोकलिग्गा जैसे प्रमुख समुदायों के लोगों की संख्या घट गई थी। वोकलिग्गा और लिंगायत दावा कर रहे हैं कि जातिगत सर्वेक्षण वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया था। कर्नाटक के लिंगायत समुदाय के लोग सवाल कर रहे हैं कि चिन्नाप्पा रेड्डी आयोग ने जाति जनगणना कराई थी, जिसमें लिंगायत की संख्या 17% थी, जबकि सर्वेक्षण में उनकी संख्या 14% है। ऐसा कैसे संभव है? इसी तरह से वोकलिग्गा समुदाय भी सर्वे को अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। बता दें कि लिंगायत और वोकलिग्गा कर्नाटक की दोनों ही प्रभावशाली जातियों ने इस संबंध में बाकायदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक मसौदा पत्र भेजा है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी इस पत्र पर हस्ताक्षर कर रखा है, जो वोकलिग्गा समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि डीके शिवकुमार का मानना है कि जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहिए। हालांकि शिवकुमार जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के लाइन का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य में कई समुदाय अपनी आबादी के लिहाज से आरक्षण लिए संघर्ष करते हुए हमेशा नजर आती रही हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।